सभी दोस्तों का स्वागत है अनवरत बेंच की क्लास नंबर 18 में। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था बेड की नस्लें, और पिछले वाले वीडियो में हमने बेडों से संबंधित महत्वपूर्ण जो शब्दावली है वो देखी थी। और मैंने आपको बताया था कि जो बेडों के बारे में जो महत्वपूर्ण शब्दावली है, जैसे बेड के बच्चे को क्या बोलते हैं, बेड के मांस को क्या बोलते हैं, जो जवान नर होता है बेड में उसको क्या बोलते हैं, मादा होती है उसको क्या बोलते हैं, सारी बातें बताई थी। और मैंने ये भी आपको बताया था कि बेड का झुंड, ये सारी हमने बात की थी। साथ में जो ऊन काटना है उसको क्या बोलते हैं, उसको शेयरिंग बोलते हैं, ये सारी बातें हमने कर ली थी। फल्सिंग क्या होता है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और साथ में हमने डॉकिंग, यहाँ पे ये देखिए, डॉकिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद में हमने देखा था बेड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। और हमने पढ़ा था कि भारत में कुल बेडों की संख्या कितनी है, भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, राजस्थान में कितनी बेडें हैं। तो राजस्थान में मैंने आपको बताया था कि 7.9 मिलियन बेडें हैं, पहले कितनी थी तो 9.1 मिलियन बेडें थी, कमी कितनी की हुई तो 12.95% की। और राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है तो चौथा। और पूरे भारत की बेडों में से राजस्थान में कुल कितनी बेडें हैं तो 10.64। उसके बाद मैंने बात किया था बेड का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस। साथ में हमने देखा था कि बेड के उपनाम तो परजीवियों का म्यूजियम, साथ में गरीब आदमी का मोबाइल बैंक, गुणसूत्र संख्या 54। और हमने बात की थी डोली की, यानी विश्व की पहली क्लोन बेड का क्या नाम है, डोली। और मैंने आपको सारी बातें बताई थी कि डोली को यान बिलमुट के द्वारा तैयार किया गया था। कहाँ पे तैयार किया गया, रोजनील इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है तो स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग शहर में। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे कि जो बेड हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान। तो आज आप पढ़ लेंगे संस्थान के बारे में, सागर के पढ़ांगा बहुत ही महत्वपूर्ण जगह फैक्ट है बेडा के बारे में वे पढ़ांगा। तो सारों पहला देखो संस्थान है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो संस्थान आता है उसका नाम है CSWRI, यानी सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च सेंटर। हिंदी में बोलें तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। तो CSWRI कठे है, तो थाने याद रखना है वो अविकानगर कठे है, तो मालपुराम, और मालपुरा थाने बेरो है कठे है तो टोंक में। तो यानी महत्वपूर्ण संस्थान है, सेंट्रल लेवल को संस्थान है, याद रखना है कि CSWRI है वो कठम नीड़ है, तो अविकानगर टोंक में। स्थापना कद हुई तो 1962। तो याद रखियो केंद्रीय बेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक में है, स्थापना कद हुई 1962 में। तो संस्थान के बारे में याद रखियो। और संस्थान के द्वारा संकर जो कि बेड की नस्लें हैं वे तैयार की गई है, जी अभी वस्त्र है, अभी कालीन है, थाने मैं बाद में पढ़ाऊंगा। एक तो आप संस्थान के बारे में पढ़ने ला रहे हैं, जब आप बेड की संकर नस्ला पढ़ाऊंगा बी टाइम थाने मैं पढ़ाऊंगा कि CSWRI है, इनके द्वारा संकर नस्लें बेड की वे तैयार की गई है। तो आप दूसरा संस्थान देख लें बेड के बारे में, राजस्थान में सेंट्रल लेवल हुआ है। इनके अलावा केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, यानी प्रजनन फार्म कटे हैं तो वह है हिसार हरियाणा में, यानी सेंट्रल लेवल को बेड प्रजनन फार्म कटे हैं तो हिसार हरियाणा में। जबकि बात करें कि जो केंद्रीय बेड व ऊन अनुसंधान संस्थान तो अविकानगर मालपुरा टोंक में, स्थापना 1962, याद रखियो। इनके बाद में सेंट्रल लेवल को आप बेड प्रजनन फार्म देखियो हिसार हरियाणा में है, वो आपने के काम को आपने राजस्थान में अपन याद रखना है। तो बात कर लें आप राजस्थान में जो को बेड प्रजनन फार्म है वो कटे हैं तो याद रखियो फतेहपुर सीकर में। तो फतेहपुर सीकर में हमारे राजस्थान का भेड़ प्रजनन फार्म है। उसके बाद में बात करा कि जकी बेडा ऊन प्राप्त हुआ है बिंगो विश्लेषण कठा हुआ है, यानी बिंग विश्लेषण है तो प्रयोगशाला कठे है तो है बीकानेर में, और कद स्थापित हुई 1965 में, याद रखियो। सागे बात कर लिया कि एशिया की सारा बड्डी ऊन मंडी अपने राजस्थान में कठे है तो बीकानेर में, यानी पूरा भारत में भी कटे है तो बीकानेर में, एशिया की, एशिया पूरा एशिया में बात करा तो सारों बड़ी ऊन मंडी है वह अपने बीकानेर में है। और 1965 में भी स्थापना हुई, तो 1965 में दो बातें याद रखियो, एक तो जिकी ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला है बिंग स्थापना बीकानेर में हुई, और एक एशिया की सारों बड़ी ऊन मंडी है बिंग स्थापना भी 1965 में हुई, ठीक है। तो दो बातें याद रखियो। और
आपने राजस्थान में भेड़ प्रजनन फार्म कटे तो ठेक होगा फतेहपुर सीकर में। और पूरे भारत में केंद्रीय लेवल को सेंट्रल लेवल को भेड़ प्रजनन फार्म कटे तो हिसार हरियाणा में, और सेंट्रल लेवल को भेड़ और ऊन इन ऊपर रिसर्च करने खातर जो संस्थान है वो कटे तो वो अपने राजस्थान के टोंक जिले में है और कटे अविका नगर में, याद रखियो। उसके बाद में बात करते हैं कि जो केंद्रीय लेवल का सेंट्रल लेवल का ऊन के विकास हेतु बोर्ड कहाँ पे है तो ये जोधपुर में है, यानी इम्पोर्टेंट है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड सेंट्रल वुल डेवलपमेंट बोर्ड कटे तो जोधपुर में। स्थापना कद हुई 1987 में, ठीक है 1987 में स्थापना हुई, लेकिन याद रखियो अन कार्य प्रारंभ है वो दो साल बाद में यानी 1989 में करियो। तो 87 में स्थापना हुई, दो साल बाद में के है काम स्टार्ट करियो यानी 1989 में। तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के बारे में याद रखियो, पर्सन बुजुर्ग कहे कि इनकी स्थापना कद हुई तो 1987, ठीक है। अगर कई बार एग्जामिनर है पर्सन ये पूछ लेगो कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई तो ऑप्शन था दे देगो 1990, 1995, 1989, 1996। तो अब देखो तन 87 ऑप्शन में ही कोनी तो थे 89 करिए यू, क्योंकि अन कार्य प्रारंभ है वो 1989 में करिए, ठीक है तो याद रखियो। अब देखो जिकि आप थन बेरो ये राजस्थान है वो पूरा भारत में ऊन उत्पादन में पहले नंबर पर हैं और लगभग आप 45.91% ऊन उत्पादन है वह आप करा और पूरा भारत में सर्वाधिक है, यानी पहला स्थान है अपने राजस्थान को। तो इन मतलब अपने ऊन तो बहुत हुए और ऊन का आप क्या घाबाई बना लिया कि तो ऊन बेचने खातर यानी ऊन है आप आयात करा निर्यात करा वह कठू करा, यानी ऊन है वह आप अगर विदेशा में भेजा तो अपने राजस्थान में जिकी ऊन है जी थान बेरोही है अपने भेड़ा है चकावटी रीजन में पाली जाए सागा अपने रेगिस्तानी इलाके में यानी जैसलमेर है बाड़मेर है जोधपुर है अठे भेड़ा ज़्यादा पाली जाए। तो जिकी अठे ऊन हुआ बिना आप बारह भेजा तो बारह है वह कठू भेजा यानी आयात निर्यात वो केंद्र है वो कटे तो वो है कोटाम, ठीक है। तो कोटाम है वो विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र है, यानी ऊन ना पा विदेशा में भेजा या फिर विदेशा ऊन मंगावा तो वह कठावे पहला कोटा भी बाद में अपने राजस्थान में अपन जटलियाणी में बट आज। तो विदेशी ऊन निर्यात या आयात केंद्र कटे तो उसे याद रखियो कोटा में। इन बाद में एक अवे भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान जो को आप पहला पढ़ियो महत्वपूर्ण संस्था केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान अठे देखो प्रशिक्षण है तो याद रखियो कि भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान है वह अपने जयपुर में है। तो इतना संस्थान है थे याद रखियो, सेंट्रल लेवल को भी आप याद रख लियो यानी सारों पहला आप बात करी CSWRI एक बार थाने बता दूँ सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट कठे अविका नगर टोंक में स्थापना 1962 में। इन बाद में आप पढ़ियो कि सेंट्रल लेवल को भेड़ प्रजनन फार्म कटे तो हिसार हरियाणा में, बाद में अपने राजस्थान अपन मतलब है तो राजस्थान में भेड़ प्रजनन फार्म कटे तो फतेहपुर सीकर में। बिंग बाद में आप पढ़ी ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी दोनों ही कटे बीकानेर में, स्थापना कद हुई दोनों की 1965 में। इन बाद में आप पढ़ियो सेंट्रल लेवल को ऊन विकास बोर्ड जो आपने जोधपुर में है जगह की स्थापना 1987 में हुई और कार्य प्रारंभ करियो दो साल बाद यानी 1989 में। इन बाद में आप पढ़ियो का ऊन आप विदेशा में मंगावा या फिर आप विदेशा में ऊन भेजा तो वह कठू भेजा तो कोटा यानी विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र कटे तो कोटा में। बिंग बाद में आप बात करियो कि भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कटे तो जयपुर में। इतनी बात आप कर ली यानी सात थन महत्वपूर्ण संस्थान में बताया भेड़ा के बारे में, याद रखियो 2% आज के थारे एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण रोग यानी भेड़ों में होने वाले महत्वपूर्ण रोग यानी के बीमारी हो जाए भेड़ा में भी पर आप बात कर लिया। तो एक महत्वपूर्ण बीमारी है बिंगू नाम है लीवर फ्लूक या फिर लीवर फ्लूक, ठीक है यानी इंगू नाम थे याद रख चुके हैं लीवर फ्लूक यानी यकृत सड़न रोग। ये रोग में हुआ के हैं कि
बेडम हुआ है वो रोग और किया हुआ है तो एक परजीवी है जका का नाम है फेसियोला हिपेटिका, यानी एक परजीवी है फेसियोला हिपेटिका बिंग कारण के हुए बेडांग में लीवर फ्लूक रोग हुए। इम के हुए कि इंग में बेडांग जो को लीवर है वो के हो जे प्रभावित हुआ साग पित्त वाहिनी है वह प्रभावित हुए, यानी लीवर है वो सड़ जे, ठीक है, बिंग कारण बेडांग है वह मृत्यु भी हो जे। तो अब देखो कि बेडांग वो रोग किया हुए, तो देखो बेड है जो कि चर है बिंग बाद में पानी पिए तो पानी पीण भी तालाब में जाए जोड़ा में जाए, ठीक है, तो दे तालाब में क्यों है कै घोगा रहे, यानी जिन बोला पा स्नेल, इंग्लिश में स्नेल बोला और हिंदी में आप बात करा तो घोगा, आपने पढ़ा भी होगा, तो जो घोगा होता है स्नेल होता है बिंग में क्यों है कै वो फेसियोला हिपेटिका जो कि परजीवी है वो रे हुए जी भेड़ पानी पिए पेट में चले जाए, पेट में चले जाए बिंग बाद में वो के हैं अन्य भेडन है प्रभावित करें और किस अंगान प्रभावित करें तो यकृत और पित्त वाहिनियां जी कारण बेडांग की मृत्यु हो जाए। और याद रखियो ये परजीवी को नाम थे याद रखियो के नाम है फेसियोला हिपेटिका, यानी इस परजीवी का नाम है फेसियोला हिपेटिका जो कि घोगा है जो कि जिसे इंग्लिश में स्नेल बोलते हैं, ये पानी में होता है और जैसे ही बेडे हैं वो तालाब में पानी पीती है तो पानी के माध्यम से बेड के पेट में चला जाता है, यकृत और पित्त वाहिनियों को प्रभावित करता है और इस बीमारी को बोलते हैं लीवर फ्लूक, जिसे बेडों का लीवर फ्लूक बोलते हैं क्योंकि दोस्तों जो बेडों में ये महत्वपूर्ण होता है। और ये परजीवी कौन सा होता है तो फेसियोला हिपेटिका, नाम याद रखियो और आर एस स्प्रिंग में पर्सन आइड बैठूँ तो याद रखियो कि लीवर फ्लूक रोग है जो को किस परजीवी वो है फेसियोला हिपेटिका, ठीक है, ये परजीवी कारण हुए और इन बोला आप बेड का लीवर फ्लूक रोग किस कारण होता है फेसियोला हिपेटिका के कारण, प्रभावित अंग किसा हुआ तो यकृत पित्त वाहिनियां, लक्षण क्या हुआ इंग में देखो बेड है बिंगो जो यकृत है वो सूज जे सड़ जे, यानी समझ लो कि सूज गयो खराब हो जे, पित्त वाहिनियां है वे भी रुक जे यानी प्रभावित हुए भी कारण के कि बेडा की मृत्यु भी हो जे। तो याद रखियो ये रोग के बारे में। इंग बाद में आप बात करा ब्लू टंग रोग, यानी ब्लू यानी नीली, टंग मानी जीव तो नीली जीवा रोग, तो दूसरों रोग है बिंगू नाम है ब्लू टंग रोग। और पर्सन भी आइडो है कि ब्लू टंग रोग है वो क्या कारण हुए, वायरस का कारण हुए, जीवाणु का कारण हुए, प्रोटाजोआ का कारण हुए या फिर कवक के कारण होता है। तो याद रखियो जो को ब्लू टंग रोग है या फिर नीली जीवा रोग है के कारण हुए वायरस का कारण हुए और हुआ किसी जानवर में ज़्यादातर भेड़ में। तो याद रखियो भेड़ में होने वाला रोग है नाम है ब्लू टंग या नीली जीवा रोग, हुआ के कारण वायरस के कारण। दूसरों रोग भी याद रखियो मैं थाने बताई इन बारे में, एक है फिड़किया रोग जो को है बैक्टीरियम यानी जीवाणु रोग हुआ फिड़कियो वो भेड़ा में ज़्यादा हुए, याद रखियो। तो तीन रोग मैं थाने बताया, एक तो लीवर फ्लूक रोग जो को परजीवी कारण हुए, परजीवी को नाम याद रखियो फेसियोला हिपेटिका, दूसरो रोग नीली जीवा रोग या ब्लू टंग रोग जो को वायरस का कारण हुआ है, फिड़किया रोग है जो को बैक्टीरिया कारण या फिर जीवाणु का कारण हुआ है। तो याद रखियो इन बाद में देखो आप महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ांगा भेडांग बारे में जगह थाने याद रखने, जी हाँ भेड़ देखने लग रहे हो आ है लिंकोलन भेड़, ये भेड़ू नाम के तो लिंकोलन लिंकोलन भेड़ है, ठीक है, तो ये भेड़ू नाम है लिंकोलन भेड़, अरा भेड़ है इंग्लैंड की, यानी इंग्लैंड देश गया के है भेड़ है, इनका नाम है लिंकोलन और भेड़ की सारा बड़ी नस्ल है, देखो थानी किटी मोटी लागे लाग जान गा खड़ी है। तो भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है तो लिंकोलन, ठीक है, याद रखियो। और कठे यानी कठे की है तो थेकोगा इंग्लैंड की है। और इनकी बात करा कि ई भेड़ को जो नर हुए यानी ई भेड़ में नर हुए वो लगभग 150 किलो हुए, तो याद रखियो थे इतनी भारी हुआ। इन बात में देखो आ सारा छोटी भेड़ है, देखो थाने छोटी सी दिखे गुटकी सी, यानी ये भेड़ का नाम है मंड्या भेड़, मंड्या आ भेड़ की नस्ल है और भेडाम सारा छोटी है, सारा बड़ी किसी है लिंकोलन, सारा छोटी है मंड्या और कट्ठे की है कर्नाटक की। मैं थाने पहला बताए हुए हो कि भेड़ की सबसे छोटी जो नस्ल है इसका नाम है मंड्या और कट्ठे की है
कर्नाटक की। इनके बाद में देखो आ भेड़ है, ये लाग जाने खरगोशी बैठी है, तो ये भेड़ का नाम है लिनचेस्टर। ठीक है, इंग्लिश नाम है तो याद करना पड़ेगा, लिनचेस्टर नाम है ये भेड़ को। और थान पूछे ये भेड़ के बारे में कि भेड़ की शुद्ध अंग्रेजी नस्ल किसी है या कौन सी है, तो ठीक होगा लिनचेस्टर, यानी लिनचेस्टर है वह भेड़ की एकदम प्योर इंग्लिश ब्रीड है, यानी शुद्ध अंग्रेजी नस्ल है लिनचेस्टर। इनके बाद में आ देखो आ है मेरिनो, किसी है मेरिनो, जबकि विश्व में सारा ज़्यादा ऊन है उत्पादन हुआ है और सागे बहुत ही अच्छी क्वालिटी, यानी विश्व में सारा बेस्ट क्वालिटी ऊन है वही मेरिनो हुआ है। तो थान पूछे कि विश्व में उच्च गुणवत्ता वाली ऊन है वह किसी भेड़ को प्राप्त हुए, तो विश्व में बात करें तो मेरिनो भेड़ से। और थान पूछ ले भारत में हाई क्वालिटी या उच्च गुणवत्ता वाली ऊन है वो किस भेड़ से प्राप्त होती है, तो ठीक होगा चोकला। ठीक है, चोकला अपने सेकावटी की है भारतीय मेरिनो, जबकि बोला आप सारा बढ़िया क्वालिटी की ऊन है भारत में ये चोकलाओं प्राप्त हुए, विश्व में पूछ ले तो मेरिनो। ठीक है, फैक्ट याद रखियो। इनके बाद में देखो अपनी चोकला जबकि सेकावटी एरियम पाली जाए चोकला अपने राजस्थान में, इन्हें क्या बोला भारतीय मेरिनो। भारतीय मेरिनो क्यों बोला, तो भारत में सारा उच्च क्वालिटी की जिकी ऊन है वह ई भेड़ की नस्लों अपन मिले, तो याद रखियो इनका नाम है चोकला। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता ला रही हूँ, मजाक ना समझियो। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। इनके बाद में देखो आ भेड़ थाने में बता दी इनके बारे में कि आ भेड़ की है तो बकरी से दिखे, तो भेड़ की वह नस्ल जो बकरी जैसी दिखाई देती है तो नेलोर। ठीक है, इसका नाम क्या है नेलोर, इनका नाम है नेलोर, यानी दिख है बकरी वर्गी लेकिन क्या है भेड़ की नस्ल है, नाम है नेलोर। और किस राज्य की है, तो आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की जिकी भेड़ की नस्ल है जिकी का नाम है नेलोर, है भेड़ की नस्ल, दिख है बकरी जैसी। और याद रखियो भेड़ की सारा ऊंची, थान बूझ ले कि भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल किसी है, तो नेलोर। ठीक है, सारा बड्डी किसी है, तो लिंकोलन जकी इंग्लैंड की, और सारा छोटी मंड्या जकी किस राज्य की है कर्नाटक की, याद रखियो। इनके बाद में देखो नेलोर के बाद में आ देखो डेक्कन, आ किसी है डेक्कन या डेकनी, डेक्कन या डेकनी आ भेड़ की नस्ल है, किस राज्य की है, तो आंध्र प्रदेश की, सागे महाराष्ट्र की। ये भेड़ की विशेषता क्या है कि भारत में सारा अच्छो जो को भेड़ा मीट प्राप्त हो, यानी सारा अच्छी क्वालिटी का मीट है वो ही भेड़ की नस्ल प्राप्त हो है, तो भारत में मटन हेतु सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है, तो आप कहेंगे डेकनी। ठीक है, याद कर लियो, मैं थाने लेर क्लास लिपि में बतायो कि भारत में मटन हेतु जिसकी सारा बढ़िया भेड़ की नस्ल है वह डेकनी। इनके बाद में बात करा आ देखो इनका नाम है लोही, ये कौन सी भेड़ की नस्ल है, तो लोही जो कि पाकिस्तान की है। ठीक है, इनके बारे में याद रखियो इनका कान देखो किड़ा मोटा मोटा है, यानी बहुत ही लामा लामा कान है, तो लंबे कान होते हैं महत्वपूर्ण विशेषता है लोही भेड़ की। और अपने राजस्थान में जो कि लंबा कानारी भेड़ है बिंगो नाम है सोनाड़ी। ठीक है, जिन चनोथर बोला, तो लोही के बारे में याद रखियो पाकिस्तान की भेड़ है। और दोस्तों ये जो भेड़ है इसको भारत में भेड़ों की सरताज कहा जाता है, तो याद रखियो कि भारत में भेड़ों की सरताज किस भेड़ को कहा जाता है, तो लोही को। और लोही किस देश की भेड़ है, वैसे तो पाकिस्तान की, लंबे कानों है तो प्रसिद्ध है, तो याद रखियो। ये जगह सारा फैक्ट थाने में बताया फोटो को माध्यम हूँ, ये थाने लिखना मिल जाएगा तो थे देख लीजियो एक बारी साग साग याद कर लियो। दूसरों मैं बोल दूँ कि भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल तो लिंकोलन जबकि इंग्लैंड की है, सारों छोटी नस्ल मंड्या जो कर्नाटक की है, भेड़ की शुद्ध अंग्रेजी नस्ल लिनचेस्टर यानी खरगोशी वर्गी दिखाई बा अभी इंग्लैंड की है, विश्व में उच्च गुणवत्ता वाली ऊन है वो किस भेड़ से प्राप्त होती है, तो मेरिनो भेड़ से, भारत में उच्च गुणवत्ता वाली ऊन तो चोकला भेड़ से जिसे भारतीय मेरिनो बोलते हैं, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल या फिर बकरी की जिसी दिखड़ारी भेड़ की नस्ल किसी है, तो नेलोर जो कि आंध्र प्रदेश की है, भारत में मटन हेतु सर्वोत्तम नस्ल तो डेकनी जो कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की है, भारत में भेड़ों की सरताज लोही
और एक विशेषता है लोही की लंबे कान होते हैं। तो लंबा कान है बेड लोही जकिन बोला भारत में बेडों की सरताज। उसके बाद में महत्वपूर्ण फैक्ट हम देख लेते हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि पशुओं के दूध में सर्वाधिक वसा है वो किस पशु के दूध में पाई जाती है, तो भेड़ के दूध में, यानी भेड़ के दूध में सर्वाधिक फैट हुआ है, वसा हुआ है, कितनी हुआ है तो 7.9। इन बाद में देखो आप बात करांगा भेड़ को मध्यकाल, मध्य चक्र, गर्भकाल। मध्यकाल को मतलब थान बेरू ये मैं एक दिन बताए थान कि मध्यकाल यानी कोई भी पशु है उसमें सेक्सुअल डिजायर है बा उत्पन्न होनी, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन है बिंगो स्तर बढ़नो, यानी आप कहते हैं कि गा बोलगी तो उसका मतलब वो मध्यकाल है, यानी बिन आप हीट पीरियड बोला या मध्यकाल बोला या फिर आप इंग्लिश में बोला तो स्ट्रेस क्या बोलेंगे पीरियड, ठीक है, तो काल यानी समय तो स्ट्रेस पीरियड बोलेंगे। और हमने पढ़ा था कि गा है उसका जो मध्यकाल है उसका समय होता है 10 से 24 घंटा, भैंस का होता है 12 से 36 घंटा, उसके बाद में बकरी को आप पढ़े हो 1-2 दिन और भेड़ को याद रखियो 1 से 1.5 दिन। तो 1 से 1.5 दिन है वो भेड़ का मध्यकाल होता है, यानी भेड़ बोले बिंग बाद में क्या है कि 1.5 दिन माँ माँ के है कि बिंगो प्रजनन हो जाना चाहिए। इन बाद में देखो कि मध्य चक्र, तो मध्यकाल और मध्य चक्र के बारे में थाने में बताया कि मध्यकाल यानी 1 से 1.5 दिन होता है। अभी टाइम देखो कि प्रजनन को नहीं हो पाए तो बिंग बाद में दूसरे भेड़ है वक्त बोलेगी वो जो समय है, यानी एक मध्यकाल ले गए दूसरे मध्यकाल तक के बीच में जो समय है इन आप क्या बोलेंगा मध्य चक्र बोलेंगे। तो वो यानी दूसरे भेड़ है वह कितना दिन बाद में बोले तो वह 16.5 दिन, या फिर थाने बूझ ले यानी ऑप्शन दे दे यानी मतलब 14-18 रेंज दे दे तो 14 से 18 दिन, या फिर एग्जैक्ट पूछे तो 16.5 दिन। और गर्भकाल की बात करें तो 147 ले गए, इन माँ प्लस और माइनस थे 5 जोड़ लियो यानी कितना हो जाएगा प्लस माइनस करोगा तो ऑप्शन था ना 147 का आसपास ही मिलेगा, ठीक है, तो थे याद रख लियो। यानी भेड़ के बारे में मध्यकाल, मध्य चक्र, गर्भकाल थे याद रखियो, साथ महत्वपूर्ण फैक्ट बताया, महत्वपूर्ण संस्थान बताया, और जगह भेड़ का प्रमुख रोग है 3 रोग बताया था, एक तो फिड़कियो, एक ब्लू टंग यानी नीली जीवा रोग, और एक लीवर फ्लूक जो कि यकृत और पित्त वाहिनी को प्रभावित करता है, और किससे होता है तो फेस्युला हिपेटिका। तो इन बारे में थे याद रखियो। काल आप पढ़ांगा राजस्थान की जकी नस्ल है, यानी आपने नाली है, मगरा है, पुंगल है, जैसलमेरी है, मारवाड़ी है, जकी सोनाड़ी है, मालपुरा है, अंग बारे में पढ़ांगा, ठीक है। तो थान वीडियो क्या लागियो कमेंट बॉक्स में बताइयो, और थान वीडियो अच्छा लागियो तो लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। धन्यवाद, मिला काल हरी क्लास में।